नहीं रहेंगे। सफेदी से मिटा दिया, न वो उन बच्चों के बारे से, न वो तब से, वो तब भी जाना बहुत तभी हल होगा क्योंकि हमने बड़े बड़े मसले हल किए हैं। मेटर्निटी लीव का मसला और सबसे बड़ा वो सिग्नल टेस्ट का मसला विनोद जी की कैदत में हमने हल किया है और आज तो हमारी बेइज्जती नहीं की, हम उनकी इज्जत बढ़ गई। गणेश जी हमारे दरमियान की वजह से, आपके ईगो की वजह से टीचर के लिए यह मंच पर टीचर यूनिटी जिंदाबाद और सैलरी को सेवंथ पे कमीशन को टीचर भूखे मरते हैं, टीचर भूखे मरते हैं, टीचर भूखे मरते हैं। टीचर भूखे मरते हैं, मैं विनोद शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट रिहैबिलिटेटिंग टीचर्स फोरम और मेंबर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। क्योंकि पिछले लंबे अरसे से हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में प्रोटेस्ट करते आए हैं, उसके बाद भी जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो आज टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी मजबूरन इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठने के लिए मजबूर हुई है। जो आज 30 अगस्त से जम्मू में हमारी हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई है और यही हंगर स्ट्राइक श्रीनगर में 3 सितंबर से स्टार्ट होगी। और हमारे मसले जो, क्योंकि अप्रैल 2018 में हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक मुलाजम को 7th कमीशन का बेनिफिट दिया, लेकिन SSA और रमसा के तहत जितने भी टीचर मास्टर्स काम करने वाले हैं उनको इस बेनिफिट से बाहर रखा गया, जो हमारी समझ और सोच से परे है कि क्यों हमें बाहर रखा गया है। और दूसरा, हमारी सैलरी जो हमें मंथली बेसिस पे नहीं मिलती है, हमारी डिमांड है कि सेंट्रल फंडिंग से इसको डीलिंग करके स्टेट बजट के साथ जोड़ा जाए ताकि रेगुलरली हम लोग सैलरी पा पाएं। इसलिए आपके माध्यम से आज गवर्नर महोदय से मेरी गुजारिश रहेगी कि आज भी मौका है, इन टीचर्स को आप स्कूलों में ही रहने दीजिए, स्कूलों में ही पढ़ा पाएँ और इनको मजबूर ना करें सड़कों पर आएँ। अगर यही हमारे मसले हल नहीं होते तो मजबूरन हमारा आंदोलन कोई और रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन।